मसीह यशुआ में आप सबों की सलामती हो। आज का ये कलाम और कलाम का विषय बपतिस्मा के ऊपर है। कौन सा बपतिस्मा? पानी का बपतिस्मा। जो पानी का बपतिस्मा शरीयत के अधीन दिया जाता था, वो बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा शरीयत के अधीन, यानी पानी से डबोकर निकालना बदन के वसीले, वो बपतिस्मा जो था वो पुरानी वाचा के अधीन था, पुरानी वाचा के मुताबिक था। तो आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, तो अगर आपके मन के सवालों को जवाब चाहिए तो इस वीडियो को इत्मीनान से और बड़े सब्र के साथ आखिर तक देखें। और आपको बाइबल साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको अपनी जिस्मानी अकल नीयत से इसको मैनिपुलेट करके या इसको फिलॉसफी के साथ साबित करने वालों में से नहीं हूँ। जो बाइबल में लिखा है वो आपके आगे रखूँगा और सच्चाई की रूह से आपको यशुआ मसीह का फजल, सच्चाई आपको आज़ाद करेगी, क्योंकि फजल और सच्चाई मसीह यशुआ की मार्फत पहुँची। और मैं इसलिए आपके सामने हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप भी आज़ाद हो जाएं गुलामी से। तो अगर जानने का मन, सीखने का मन खुदा के फजल से आपके पास हो, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहें और एक भी शब्द इधर उधर से नहीं होगा सिवाय कलाम के। तो बस आपको सुनना है कुछ वक्त के लिए और सिर्फ उसको, उस पर विश्वास लाना है। और क्योंकि ये कलाम मेरा नहीं है, ये कलाम है यशुआ मसीह का, और यशुआ मसीह का कलाम है बाप का। तो ये बाप का कलाम है और बेटे का कलाम है, और मैं सिर्फ एज अ डमी इस संसार में उस चीज़ को आप तक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैं जस्ट एक प्रोवाइडर हूँ, मतलब सच्चाई पहुँचाने वाला। एक जैसे आजकल आप वो मंगवाते होंगे, ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते होंगे, तो एक डिलीवरी बॉय नहीं आता आपको, वो जो भी आपने मंगवाया है तो वो आपको देने आता है डिलीवरी करने। आई एम जस्ट अ फजल और सच्चाई पहुँचाने वाला एक डिलीवरी बॉय हूँ। तो डिलीवरी जो है वो बाप और बेटे के कलाम की कर रहा हूँ। तो सिर्फ आपने उसको रिसीव करना है, और रिसीव करने के लिए क्या होता है कि वो आपको कॉल करता है कि आपका ये प्रोडक्ट आया, तो उसको यहाँ पर आकर रिसीव करोगे कि या मैं अपने आपके घर पहुँचा सकूँ? तो मैं आपके घर इस कलाम को डिलीवर कर रहा हूँ, तो और आपने रिसीव करना है। बस रिसीव कैसे करना है कि ये वीडियो चल रही है तो उसको सिर्फ सुनना है इत्मीनान में, ये नहीं कि एक बार में सुनना है। अगर आप बिजी शेड्यूल में चल रहे हो, आपके पास वक्त नहीं, तो उसको जितना भी आपके पास वक्त है थोड़ा थोड़ा, चाहे घर के काम में, चाहे बाहर आप कोई काम जॉब कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा अगर आपके पास टाइम है तो उसको सुने और समझने के रूप से सुने। सिर्फ सुनने तक ही ना इसको रहें कि हाँ सुन लिया बट ठीक है, इसको सुने और समझें भी कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझसे कहा गया है मैं वही आपको आगे बोल रहा हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या कहती है। जिसके कान हो वो सुने, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मताहत नहीं। क्योंकि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर हर एक शय का, हर एक चीज का वक्त है। तो अब वक्त ये नहीं कि आप मूसा की पुरानी वाचा के अधीन नहीं हो। जितने भी मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो अब नई हो गई हैं, ठीक है। तो इसलिए आप पुरानी वाचा के अधीन नहीं हो। पुरानी वाचा है जो आपका पुराना अहदनामा है, मूसा की पहली 5 किताबें। तो मैं जब ऑनलाइन यूथ को देखता हूँ
तो वो क्या वहां पर क्या लिखा होता है? जबूर लिखे होते हैं, व्यवस्था विवरण की कलाम लिखा होता है, जबकि वो हमारे लिए नहीं है। वो मूसा की शरीयत के अधीन मूसा की 12 गोत्रों के लिए और यीशु मसीह के लिए थे, ठीक है। आगे जो नया अहदनामा है वो हमारे लिए है, नई यूथ के लिए, यानी अंताकिया में पहले शागिर्द मसीह कहलाए, तो वो मसीहों के लिए है, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। जो नया अहदनामा है वो मसीह के लिए, मसीह विश्वासी के लिए, लेकिन जो पुराना अहदनामा है वो यस्सू के लिए है। आप योहन्ना 5 बाब पढ़ोगे ना, तो वहां पर लिखा है कि तुम जो जिंदगी को ढूंढते हो वो किताबे मुकद्दस में से ढूंढते हो, लेकिन किताबे मुकद्दस में जिंदगी नहीं है, जिंदगी मुझ में है, और फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, क्योंकि तुम एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, भरपूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, यानी पुराना अहदनामा जो आपका बाइबल में पुराना अहदनामा है, 10 हुक्मों की तालीम, मगर फजल और सच्चाई जिसका जिसको शरीयत को पुराने अहदनामे को उससे कुछ वास्ता नहीं, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, वो इसीलिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि उसने जो शरीयत की पुराने अहदनामे की लानत थी वो अपने ऊपर ले ली, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। तो लानती कौन कह रहा है? पुरानी वाचा, पुरानी व्यवस्था, और आप उसी को यार पढ़ी जा रहे हो, आप उसको फॉलो कर ही जा रहे हो, उसी ने तो मसीह को, तो आप अगर पुरानी व्यवस्था के अधीन है तो आप भी उनमें से शामिल हैं जिन्होंने यीशु मसीह को लानती कहा, और लानती ही व्यवस्था वालों ने कहा, पुराने अहदनामे वालों ने कहा, जो उनको यीशु मसीह के वक्त जो उस पुराने अहदनामे को मूसा की शरीयत को फॉलो करते थे, उन्होंने ही तो उनको सलीब सलीब दिया। तो अगर आप भी उनमें से हो जो पुरानी वाचा को फॉलो करते हैं, तो आप भी उनमें से हो जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब देकर लानती बनाया। गो यस्सु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। देखिए कि यीशु मसीह जो थे वो आप नहीं, और यहां पर मैंने मसीह कह दिया, यहां पर सिर्फ यीशु लिखा है, अभी वो मसीह नहीं हुआ। मसीह हुआ वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद। यहां जब हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना 4:2, वहां पर अभी मसीह यशुआ अपने जलाल तक नहीं पहुंचे, तो इसलिए यहां पर सिर्फ यीशु लिखा है। गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था, और मसीह जो लोग हैं वो पहली बार शागिर्द जो थे वो अंताकिया में कहलाए। अंताकिया से पहले मसीह कोई भी मसीह नहीं था, शागिर्द से पहले। तो मसीह जो पहली बार संसारिक तौर पर कहलाए वो अंताकिया में शागिर्द कल है, या इंसान की तरफ से। यूहन्ना का बपतिस्मा जिसने पानी से, जो पानी से बपतिस्मा देता आ रहा था, तो वह किस लिए बपतिस्मा देता रहा था? ये भी हम इसी कलाम में से सीखेंगे कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से। चुनांचे यहूदी निशान चाहते हैं, यहूदी निशान चाहते हैं, तो वो एक जो यूहन्ना का बपतिस्मा था वो एक यहूदियों पर निशान जाहिर करने के लिए था, और वो निशान क्या था ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कलाम में से। उस वक्त यीशु गलील से, अब यीशु मसीह के कुर्बान होने से पहले, जी उठने से पहले, सब यीशु मसीह को गलीली, नासरी तो इस नाम से जानते थे, यर्दन के किनारे। अब यहां पर सिर्फ यीशु लिखा है,
यस्सु मसीह नहीं, मसीह यशुआ नहीं, यस्सु, क्योंकि यशुआ अब तक अपने जलाल को नहीं पहुंचा था। यर्दन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार गए, यानी उसने यशुआ मसीह से सवाल किया। तो यशुआ ने जवाब में कहा कि अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करनी मुनासिब है। अब रास्तबाज जो है वो ईमान से जीता है, यानी विश्वास से, और शरीयत को, पुराने अहदनामे को विश्वास से कुछ वास्ता नहीं, इनका कुछ वास्ता नहीं आपस। तो अभी वो रास्तबाजी पूरी कर रहे हैं यशुआ मसीह, रास्तबाजी इसी तरह ही रास्तबाजी को पूरा करना है। लेकिन यूहन्ना जो है वो पुराने अहदनामे के अधीन जो है वो नबी है, पुराने अहदनामे, यानी पुराना अहदनामा यशुआ मसीह की सलीबी मौत तक रहा, जहां पर उन्होंने सिरका पिया और वो नविश्ता, आखिरी नविश्ता पूरा हुआ, और वहां पर शरा कंप्लीट हुई। तो तब यशुआ मसीह ने कहा पूरा हुआ, यानी वहां पर शरा पूरी, लेकिन उससे पहले सब कुछ शरीयत के अधीन हो रहा है, उससे पहले, सलीबी मौत से पहले। अब यूहन्ना के बपतिस्मा का काम, पानी का काम शरीयत के अधीन कहां तक था, और मैं तो उसे पहचानता ना था। अब यूहन्ना बिल्कुल भी नहीं पहचानता किसी भी तरह से भी, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया, बोल रहा है कि मैं इसलिए बपतिस्मा देता आ रहा हूं कि वो इज़राइल पर जाहिर हो जाए। इज़राइल यानी यकूब, यकूब यानी इज़राइल की नस्लें, 12 गोत्रों में से 12 नस्लें, और वो इसलिए बपतिस्मा देता आ रहा था कि उसने इज़राइल के जो गोत्र थे, वो जात गोत थी, 12 जो जात गोत्र हैं उस पर यशुआ मसीह को जाहिर करना था। यूहन्ना तो उस वक्त यस्सु को जानता ही नहीं था, इसलिए कि वो पानी का बपतिस्मा देता हुआ आया था। लेकिन जिन्हें हम आज के दिन पानी का बपतिस्मा दे रहे हैं, उनमें से अब किस यस्सु की तलाश में, किस यशुआ के इंतज़ार में, और किन यहूदियों पर, यानी किन इज़राइल के 12 गोत्रों पर हम किस यस्सु को जाहिर करने पर लगे हुए हैं, लेकिन अब हमें किस यस्सु का इंतज़ार है, जिनको हम पानी का बपतिस्मा दे रहे हैं आज भी। तो जिस यस्सु की हम बाइबल में से सलीबी मौत की गवाही और जिंदा होने की गवाही दे रहे हैं, तो फिर सच्चा मसीह कौन है, वो जिनको आप पानी से बपतिस्मा दे रहे हो, या वो जो बाइबल में पानी में बपतिस्मा ले चुका है? अब फैसला आपका है। बाइबल में से तो फिर वो कौन यस्सु है, इन दोनों में से सच्चा मसीह कौन है? क्या वो जिनको आप बपतिस्मा दे रहे हो पानी का, या वो जिसको यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हुआ? लेकिन जिन्हें हम आज की तारीख में पुरानी वाचा के अधीन रखते हुए पानी का बपतिस्मा देते आ रहे हैं, उनमें से भी मसीह के आने का इंतजार है कि किस पर रू ठहरेगा आकर? क्योंकि यूहन्ना तो इसलिए पानी का बपतिस्मा देता हुआ आया कि उसे पहचानता ना था, और उसकी निशान दी थी, उसको निशान दी गई थी कि इज़राइलियों के ऊपर जाहिर करे, इज़राइल के 12 गोत्रों पर। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गई, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे, वो ही रूह कुछ से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाची मैंने देखा और गवाही दी है कि यह खुदा का बेटा है। साफ लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा किस लिए देता रहा था, क्योंकि यस्सु को जानता ना था कि वो कौन है जो मेरे बाद रूहल कुछ का बपतिस्मा देने वाला है।
बात फिर अब यीशु को मुर्दों में से जी उठने सब पर जाहिर कर दिया, लेकिन जो लोगों को हम आज बपतिस्मा दे रहे हैं उनमें से क्या कोई यहूदियों में से है या फिर कोई यीशु मसीह के आने का इंतजार है जिसके बारे में बपतिस्मा देने वाले नहीं जानते हैं। खैर आगे कलाम को पढ़ते हैं, शरीयत और अंबिया। अब शरीयत जो है मूसा की पुरानी वाचा और अंबिया यानी नबी, पुरानी वाचा के नबी यानी सच्चे नबी जिन्होंने यीशु मसीह की गवाही दी, यूहन्ना तक रहे। अब पुराना अहदनामा और नबी वो यूहन्ना तक रहे, क्योंकि कलाम में लिखा है नई वाचा के अधीन कि ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी रहा ना गुलाम ना आजाद ना औरत ना मर्द, अब सिर्फ हम मसीह हैं और बेटे हैं और वारिस हैं। दैट्स इट, अब सिर्फ हम मसीह हैं और बेटे हैं और वारिस हैं और वो हमारा बाप है। दैट्स इट। अब ना कोई यहूदी है ना यूनानी है, अगर यहूदी नहीं तो पुरानी वाचा भी नहीं, यूनानी नहीं, औरत नहीं, मर्द नहीं, सिर्फ मसीह है। उस वक्त से खुदा की बादशाहत की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मार कर उसमें से दाखिल होता है। कलाम में साफ साफ लिखा है कि व्यवस्था यानी मूसा की शरा और नबी यानी यूहन्ना तक रहे, यूहन्ना जिसका हेरोदियास ने सिर कटवा दिया था, जिसने यशुआ मसीह को इज़राइल पर जाहिर करने के लिए बपतिस्मा देता आ रहा, उसका काम सिर्फ वहीं तक था और पानी का बपतिस्मा यहीं तक था जब तक यशुआ मसीह आते नहीं, कबूतर की मानिंद रूहल कुछ ठहरता नहीं और आवाज आती नहीं। लेकिन अब आवाज आ चुकी है और गवाही दी जा चुकी है और उस पानी का काम वहीं तक था। और आज हम आज लोगों को भी लोगों को पुरानी वाचा के अधीन रख कर पानी का बपतिस्मा देते जा रहे हैं। आज हम प्रैक्टिकली उन चीजों को बार बार बार, जबकि कलाम में लिखा है कि उसने एक बार में ही सब कुछ कर दिया। एक बार का मतलब एक बार, एक ही बार। तो हम आज उन चीजों को बार बार दोहराए जाते हैं, उनको रीति रिवाज के तौर पर, संसार के तौर पर, दुनिया के तौर पर उसको मनाए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। इससे रूहुल कुस का ये इशारा है कि जब तक पहला खेमा खड़ा है, यानी पहला यानी पुरानी वाचा, पुरानी वाचा के अधीन लोग थे, पाक मकान की राह जाहिर नहीं हुई, वो खेमा मौजूदा जमाने के लिए एक मिसाल है, असलियत नहीं है, वो मिसाल है। और इसके बाद मुजीब ऐसी नजरें और कुर्बानियां गुजरानी जाती थी जो इबादत करने वाले को दिल के एतबार से कामिल नहीं कर सकती। तो जो आप पुरानी वाचा के अधीन अब तक कर रहे हो और लोगों को पुरानी वाचा की अधीनता में रख रहे हो, तो कलाम कह रहा है नई वाचा के अधीन, यीशु मसीह के फजल और सच्चाई के अधीन, कि वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, एक मिसाल था, एक नमूना था, जो इबादत करने वाले को दिल के एतबार से कामिल नहीं कर सकती। तो जितनों को आपने पुरानी वाचा के अधीन रखा हुआ है और पुरानी वाचा के अधीन जो कुछ उसमें से लिखा हुआ करी जा रहे हो रीति रिवाज से और दिनों से महीनों को, तो उनके दिल कामिल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते यीशु मसीह में, इसलिए कि वो सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के गुस्लों, और गुस्ल होता है यानी पानी से साफ करना, पानी से साफ करना कि बिना पर जिस्मानी अहकाम है, तो वो ये जिस्मानी काम ही है। लेकिन कलाम कहता है कि हम जिस्मानी नहीं, हम रूहानी है। लेकिन जितनों को आप पुरानी वाचा के दिन रखकर, जिनको आपने कलीसिया का झुंड बनाया हुआ है और उस कलीसिया को बच्चों की तरह सिखा रहे हो, वो जिस्मानी आप बना रहे हो, वो जिस्मानी है नहीं, जो इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए गए हैं।
और तकरीबन सारी चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं। तो यीशुआ मसीह के लहू से, उस छिड़काव के लहू से अपने दिल को पाक साफ करो और उनके दिल को भी पाक साफ करो जिनको आपने पुरानी वाचा के अधीन रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरे लहू में नया अहद है। तो नए अहद के खून से उनके दिलों को पाक साफ करो। नए अहद का खून है यीशुआ मसीह का फजल और सच्चाई के अधीन, रूल कुछ से, मुकाशफा के रूह से, सच्चाई के रूह से कलाम को सुनाना, और उनके दिल में, उनके दिल पाक साफ होते हैं उससे, उस छिड़काव के लहू से। और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती। तो जब तक आप यीशुआ मसीह के कलाम को उनके दिलों पर, उनके कानों में नहीं सुनाओगे तो वो माफ कैसे किए जाएंगे? माफ कहने से नहीं होंगे, माफ करने से होंगे। माफ कैसे करना है? माफ इसलिए करना है, माफ इस तरह करना है कि उनको नई वाचा सुनानी है। अगर आप पुरानी वाचा सुना रहे हो तो आप उनको माफी के अधीन नहीं बल्कि लानत और मौत के अधीन ले जा रहे हो। अगर आप उनमें से हो जो अपन यानी जो यीशु मसीह के लहू के खरीदे हुए लोगों को पुरानी वाचा के अधीन रख रहे हो, क्योंकि जो मसीह है वो कलीसिया का बदन है, यानी जो बदन है वो मसीह है। तो प्लीज उनको माफ करें और उनको सच्चाई की राह पर लेके आए। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सारे बाप दादा बादल के नीचे थे, यानी इज़राइल जो मिस्र में था, गुलाम था, और सबके सब समुंदर में से गुजरे, यानी मूसा जब उनको समुंदर में से निकाल के लाया और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और मूसा किधर से गुजरा है? पानी में से, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सबने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम इन सब बातों पर ईमान लाते हैं, लेकिन जब बपतिस्मा की बात आती है उस वक्त ये ईमान क्यों नहीं लाते कि जो मसीह ने बपतिस्मा लिया वो किनके लिए बपतिस्मा लिया, वो बपतिस्मा किसका था? ये मानने को तैयार हैं ईमान में कि उसने हमारी खातिर जान दी, हमारी खातिर कोड़े खाए, वो हमारी खातिर लानती ठहराया गया, उस पर हमारी खातिर सियासत हुई, और इसका ईमान नहीं लाते कि जो उसने बपतिस्मा लिया वो भी हमारे लिए लिया। जब बपतिस्मा की बात आती है तो हम अपना जिस्म आगे कर देते हैं, अपना बदन आगे कर देते हैं, और उसको पुरानी वाचा के अधीन बदन के तौर पर पूरा कर रहे हैं। तो ये उनका कसूर नहीं है, वो उनका कसूर है जो उनको शरा के अधीन रख रहे हैं, जिनको पानी से डबो डबो कर निकाल रहे हैं। तो फिर कोड़े भी खुद खाने चाहिए ना, फिर उनको कोड़े भी लगवाओ जिनको आप पानी का बपतिस्मा देकर निकालते हो। यीशु मसीह का पानी का बपतिस्मा देने के बाद क्या क्या हुआ वो भी उनके साथ करवाओ ना, फिर करो भी तो और करवाओ भी, और फिर बदन की मशक्कतें भी खुद उठाओ, कोड़े भी खाओ। और कुछ लोग तो 40 रोज भी रखते हैं, यानी 40 रोजों की फास्टिंग भी करते हैं, ये मैंने अपनी मौजूदा लाइफ में देखा हुआ है। तो फिर उसकी तरह सताव भी सहो, कील भी लगवाओ, जो बदन के तौर पर कह रहा हूं। जब बदन के तौर पर कील लगवाने की बात आती हो तब आप यीशु मसीह को आगे कर देते हो, यीशु मसीह का बदन आगे कर देते हो। पाक मकान दाखिल, पाक मकान में सिर्फ सरदार का ही नहीं दाखिल हो सकता है और कोई नहीं, और वो पाक मकान में दाखिल हो चुका है अपना लहू लेकर।
मतलब कितना शरीयत के वसीले और शरीयत के पुरानी वाचा के अधीन जो लोग पुरानी वाचा को पूरा कर रहे हैं जो खादिम, उनके वसीले कितनी कंफ्यूजिंग है और कितना मतलब फजल और सच्चाई की खुशखबरी को कितना ज़्यादा मतलब बिगाड़ रखा है, बिगड़ी हुई है खुशखबरी सिर्फ इनकी वजह से जो लोगों को पुरानी वाचा के अधीन रख रहे हैं। मतलब कुछ बिना समझे जो मन में आता है बाइबल में से कहीं से भी पढ़े जा रहे हैं, लेकिन बाइबल वो बाप है। अब वो जिस तरह आपने बाइबल को इतना आम समझ के रखा हुआ है वो इतनी आम नहीं है, वो जिंदा बाप है और बेटे की रूह है। और जिस तरह आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं इसी तरह बेटा अपने बाप की इज्जत करता है। और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई नहीं जानता बाप कौन है सिवा बेटे के। और तीसरा वो जिस पर बेटा खुद को जाहिर करे तो वो आप उसको एक जिस्मानी और संसारिक तौर पर उसको एक पुस्तक की तरह पकड़े हुए हो। और मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि उन्होंने जो अपनी रियाजत की चीज़ें हैं, जो अपनी रियाजत की चीज़ें हैं उसको अपनी बराबरी का हिस्सा दिया हुआ है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने उसको एक पुस्तक समझकर वो नीचे रखा हुआ है, कदमों में रखा हुआ है। और मैं ये ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं कि जो बाइबलों में बाइबल है ना वो बाप है, वो जिंदा बाप, और उनको अपने कदमों में रखा हुआ है। क्योंकि जब क्लीसिया को खड़ा किया जाता है तो बाइबलें वो नीचे रह जाती हैं, कदमों में रह जाती हैं, और वो खुद ताड़ियाँ और ये वो चीज़ें कर रहे होते हैं, मतलब अपने बदन की इबादत कर रहे हो। लेकिन कलाम जो जिसने हमें रूहानी बनाना होता है, जो बाप है और बेटा है, तो वो नीचे पड़ा होता है। और यहाँ यहाँ तक मैं मंजर देखा है, मैंने इस यहाँ तक मंजर देखा है बड़ी बड़ी मीटिंगों में कि एक जगह तो ऐसा हुआ कि जहाँ पर उन्होंने जूते उतारे हुए थे वहीं पर बाइबलें रखी हुई थी। मैंने ऐसा ऐसा मंजर देखा है। तो ये कोई भाई ये कोई आम चीज़ नहीं है जब तक आप इसको रूह की हिदायत से नहीं जानोगे। और मैंने बड़े बड़े उस्ताद देखे हैं, बड़े बड़े उस्ताद जो अपने आप को गायकी में बड़े बड़े उस्ताद मानते हैं मसीह में, तो उन्होंने क्या है कि जहाँ पर उनकी इज्जत है, जहाँ पर उनको उस्ताद माना जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने जो हारमोनियम है उसको बड़ा इज्जत से और बड़ा मतलब शान व शौकत से रखा हुआ है। लेकिन एक बाइबल है जिनको उन्होंने वहाँ पर रखा हुआ है जहाँ पर उनके पाँव हैं और पाँव के साथ में रखा हुआ है। तो वो लोग क्या सिखा रहे हैं, वो शरीयत सिखा रहे हैं। एक बड़े खादम का बेटा था तो हम इकट्ठा एक साथ कहीं बैठे हुए थे, तो उसने बाइबल को जो था जहाँ पर इंसान के पाँव आते हैं वहाँ पर रखा हुआ था। एक खादम था उसको टेबल पर मतलब पाँव रखने की बहुत आदत थी, टेबल पर पाँव रखने की। तो जैसे जिस टेबल पर हम बैठते तो आगे चाय खाना पानी नहीं लगाते थे। तो ऐसा हुआ कि जब किसी दूसरे ने वहाँ पर वो चीज़ रखी जहाँ पर पाँव आते हैं तो रखी उसने, उस बड़े खादम के बेटे ने, तो उसने उसको कहा कि यहाँ पर मैंने बाइबल रखी है, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते। तो ओके ठीक है, उसने कहा चलो ठीक है जी। तो उसके बाद ही उन्होंने कहीं मीटिंग पर जाना था, तो वो भी मतलब लड़का भी साथ था, तो वही जिस पर खादिम को पांव रखने की आदत थी, तो जब वो टेबल पर बैठे तो सबने क्या करना था, बाइबलें पास थी तो वहां पर टेबल पर बाइबलें रखती। लेकिन उसी खादिम ने जहां पर बाइबलें पड़ी हुई थी अपनी अपनी साइड पर, उसी टेबल पर अपने पांव रख दिए। तब उस लड़के ने जिसके साथ ये हुआ था कि जहां पर मतलब पांव आते हैं वहां पर बाइबल रखी हुई है,
तुम यहां से उठो, क्योंकि यहां पर बाइबल पड़ी हुई। तो फिर उस लड़के ने, क्योंकि वो खादिम का बेटा था, तो जिस लड़के के साथ ये हुआ तो उसने उसकी तरफ देखा, लेकिन तब उसने पता क्या किया, अपने बाप को नहीं उठाया, क्योंकि बाप तो उसका बड़ा खादिम था ना। तब उसने अपने बाप को नहीं कहा कि अपने पांव नीचे रखो, क्योंकि आपको पता है यहां पर बाइबल पड़ी। तब उसने क्या कहा, तब उसने बाइबल को उठाया। और वो लोग दुनिया में बहुत इज्जत रखते हैं और मतलब बहुत बड़ा नाम है उनका। तो इस तरह की चीजें जो आपके सामने नहीं आती, लेकिन वो मतलब अंधेरे में यानी रोशनी के बाहर होती रहती हैं। और ये ऐसी चीजें कोई बाहर भी नहीं लाता, ना कोई बताता है, बस उतना ही दिखाया जाता है जितना आप देखकर उनकी इज्जत करो, और उतना ही बोला जाता है जितना आप देखकर उसकी बड़े उस्ताद होने की और बड़े खादिम होने की इज्जत करो। मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें भी मैंने देखी हैं, और बाइबल कोई आम चीज़ नहीं है, और ये मैंने देखी हुई है। मतलब कुछ भी बिना समझे जो मन में आता है बाइबल में से पढ़कर रीत के तौर पर किए जा रहे हैं। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है। मगर जिसने मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरची मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा हुआ है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? जिस पानी से हम रोज अपने बदन को पाक और साफ करते हैं, क्या वो वही पानी नहीं जिस पर खुदा का रूह जुम्बिश करता था? क्या हम वही पानी को रोज नहीं पीते? क्या जमीन को खुदा ने नहीं बनाया जिसकी पैदावार हम खा रहे हैं? क्या सारी चीजें खुदा ने नहीं बनाई, जमीन और आसमान की, जमीन की हो या आसमान की? क्या जिस पानी से हम अपने आप को बदन के तौर पर पाक और साफ करते हैं और पीने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, क्या वो किसी और खुदा ने बनाया है? क्या जो पानी हम पी रहे हैं उसी खुदा की कुदरत नहीं? खुदा की कुदरत बनाई नहीं, क्या खुदा की कुदरत बट गई? जो हम घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं वो कोई और खुदा का है? जो चर्च में पानी इस्तेमाल होते हैं बपतिस्मा के लिए वो किसी और खुदा का है? खुदा की चीजें इतनी कमजोर हैं कि अदना सा आदमी उसे नापाक और पाक ठहराए जा रहा है। मतलब खुदा की चीजें इतनी कमजोर हैं कि कोई भी अदना सा आदमी उसको जहां चाहे जिस जगह चाहे नापाक ठहरा सकता है और पाक ठहरा सकता है। फिर उसने अपने 12 शिगिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी के दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं, पहला शिमोन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बारतुलमाई, तोमा और मत्ती, महसूल लेने वाला हल्फाई का बेटा यकूब और तद्दी, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसको यानी यशा मसीह को पकड़वा भी दिया। इन 12 को यस्सु ने भेजा और उन्हें हुक्म देके कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करें, जो मसीह यस्सु ने 12 शिगिर्द ठहराए थे ये ईमान वालों के लिए नहीं,
जो 12 रसूल थे, 12 शगिर्द थे, जिनका मैंने अभी कलाम में से नाम पढ़ा, ये ईमान वालों के लिए नहीं ठहराए गए थे, बल्कि शरीयत वाले जो शरीयत के अधीन, मूसा के 10 हुक्मों के अधीन टाई में चलने वाले थे, उनके लिए 12 शगिर्द ठहराए गए थे। और शरीयत को, मतलब पुरानी वाचा को, ईमान वालों से कुछ वास्ता नहीं। यसु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में जलाल के तख्त पर बैठेगा, नई पैदाइश किस किन के लिए हुई? ईमान वालों के लिए। तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 तख्तों पर बैठकर इज़राइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, इंसाफ करोगे। अब 12 कबीले इसराइल के, यानी यकूब के 12 बेटे, 12 गोत्र, उनकी नस्लों में जो आगे आने वाले, मतलब उनकी नस्ल जो आगे बढ़ी, उनकी बात हो रही है। अब ये मूसा की वाचा के दिन खुदा ने 12 शिगिर्दों को खड़ा किया था, ईमान वालों के लिए नहीं। और इसराइल के 12 गोत्रों के नाम ये हैं, इनमें से जितनी भी नस्लें जो इनसे आगे, मतलब फैली, आगे बढ़ी, 12 गोत्रों में थी, कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूँ। तो 12 गोत्रों के लोगों के लिए यीशु मसीह ने 12 शगिर्द ठहरा रखे थे, ईमान में, ईमान वालों के लिए नहीं। ए रूबीन, ए 12 गोत्रों में से, यानी इसराइल के यकूब के जो 12 बेटे हैं, उनसे आगे जो 12 गोत्र आई, यानी 12 जो नस्लें आगे चली, 12 नस्लों में से जितनी भी उनकी जो नस्लें थी फैलती गई। और इन 12 गोत्रों में जो पलौठा है, सबसे पहला रूबीन, और यकूब कहता है, रूबीन तू मेरा, यानी इसराइल, यकूब का नाम ही इसराइल है, यकूब का इसराइल होने से पहले नाम यकूब था, और यकूब के बाद इसराइल हुआ। और इसराइल का मतलब है दुख सहकर जलाल पाने वाला, इब्रानी में इसका मतलब है, पहले दुख सहेगा, पहले सफर करेगा। और ये जब आप यकूब की लाइफ के बारे में बाइबल मुकद्दस में से पढ़ोगे, तो वो दुख सहता था और जलाल पाता था, यानी दुख सहना और जलाल पाना, यही है। तो इसलिए यीशु मसीह ने भी पहले दुख सहा, फिर जलाल में आए, ठीक है। तो मेरा पलौठा था, मेरी कुवत और मेरी शहजोरी का पहला फल है, तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। शमान और लावी, यानी ये दो बेटे, यानी अभी 3 हो गए, भाई भाई हैं। यहूदा 4, यहूदा जो है वो शेरे बब्बर का बच्चा है। और जबलून 5, समुन्द्र के किनारे बसेगा और जहाजों के लिए बंदर का काम देगा, और उसकी हद सैदा तक फैली होगी। इश्कार मजबूत गदा है, दान रास्ते का सांप है, अशर नाफिस अनाज पैदा किया करेगा, नफ्ताली ऐसा है जैसे शूटी हुई हरनी, यूसुफ एक फलदार पौधा है, बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है। और इनका बाप एक है और माएं इन 12 की अलग अलग हैं, ठीक है। इनमें से जो यूसुफ है और जो बिन्यामीन है, ये उसकी एक बीवी से है, और यकूब की जो बीवियां थी वो 4 बीवियां थी, और चारों बीवियों में से जो थे ये 12 बच्चे थे, और बिन्यामीन और यूसुफ जो था वो एक बीवी से था, ये दोनों एक ही उसकी पत्नी में से, बाकी अलग अलग थे। तो यूसुफ जो है वो यीशु मसीह की छवि है, और जो बिन्यामीन है वो सच्चाई की रूह की छवि है, यानी नए अहदनामे में, नई वाचा में। इसके रिलेटेड भी मैं, मतलब वीडियो, इसको मैं लिंक दे दूंगा, पंजाबी में भी है और हिंदी में भी है और उर्दू में भी है, तो वो आप जब इसको अगर देखना चाहें तो उसके बाद इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। और यूसुफ और बिन्यामीन के बारे में अगर आप मुकाशफा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके हवाले से भी, यूसुफ कैसे यस्सू है और बिन्यामीन कैसे सच्चाई की रूह है,
तो ये तो नमूने हैं, मतलब एक मिसाल है आने वाली, आगे आने वाली चीजों के लिए। तो यूसुफ जो है वो आने वाले वक्त में नई वाचा के अधीन यस्सु है, और बिन्यामीन है सच्चाई की रूह है, ठीक है। और जो सच्चाई की रूह वाले हैं वो ही बिन्यामीनी है। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इज़राइल में परगंदा कर दूंगा। अब इज़राइल की 12 गोत्रों को मूसा ने शरीयत दी, यानी 10 हुक्म। पानी का बपतिस्मा इसलिए आया कि मूसा इनको मिस्र में से पानी से निकालकर खुदा की कुवत और ताकत से निकाल कर लाया। अब जो कि मूसा जो था और फिरौन की बेटी दरिया पर गुसल करने आई, यानी नहाने आई, यानी बाथ करने आई, और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने जाओ में यह टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उससे उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, जा। वो लड़की जाकर बच्चे की माँ को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा कि तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूँगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। इसलिए मूसा पानी से निकाला, उसका नाम भी उसी पर, और उसने आगे जाके मौजे भी यानी पानी के ही किए। पानी का मौजा इसलिए आगे जाकर मूसा ने पानी के मौजे भी किए क्योंकि उसके नाम का मतलब ही यही था। अब जो मूसा है ये गुलाम इज़राइली औरत और मर्द का बच्चा है, लेकिन फिरौन की बेटी मिस्री है जिनके इब्रानी गुलाम थे। अब मूसा मतलब जो है वो इब्रानी में है क्योंकि जो पुराना अहदनामा था वो पुरानी भाषा में यानी इब्रानी भाषा में लिखा गया। तो जो फिरौन की बेटी है ये मिस्री है, तो उसका नाम जो उसने रखा वो मिस्री भाषा में रखा, लेकिन जो पुराना अहदनामा है, पुरानी वाचा है, वो इब्रानी भाषा में होने के कारण, लिखे जाने के कारण इसका मतलब जो है वो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। तो मिस्री भाषा के जो मायने, मतलब और शब्द को समझने का जो वो ये अलग है, लेकिन इब्रानी को समझने का ये अलग है। मगर मिस्री भाषा का नाम है मूसा और उसका मतलब निकाला गया है इब्रानी में, तो इन दोनों भाषाएं मतलब और भाषा अलग अलग है। इब्रानी में इसका अर्थ है पानी से निकाला हुआ। तो हमें पानी के विषय के मुताबिक पानी के ही बपतिस्मा पर बात कर रहे हैं। मूसा ने आगे जाकर इज़राइल के 12 गोत्रों की नस्लों को, फिर मूसा ने अपने हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समुंदर को पीछे हटकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी दो हिस्से हो गया, और बनी इज़राइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई। और जब खुदावन कोहे सिना पर मूसा से बातें कर चुका, तो आज कुछ लोगों ने नाम भी कोहे सिना रखा हुआ है और कोहे सिना से लानत आई है, तो उसने उसे शहादत की दो लोहे दी। वो लोहे पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थी।
आज कुछ लोगों ने चर्चों के नाम कोहे सिना रखे हुए हैं, जहां से लानत आई इसराइलियों के लिए। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। ये ना समझो कि मैं तुरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। पर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सिर झुकाकर जान दे दी। ये पूरा किनके लिए किया? इज़राइल की 12 गोत्रों के लिए, कि वो भी ईमान के वसीले फजल और सच्चाई के अधीन खुदा से मेल मिलाप हो जाए। यानी ये समझ कर कि शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई, बल्कि बेशरा और सरकस लोगों और बेदीनियों और गुनाहगारों और नापाकों और रिंदों और माँ बाप के कातिलों और खूनियों और हरामकारों और लौंडेबाजों और बर्दा फरोशों और झूठों और झूठी कसम खाने वालों और इनके सिवा सही तालीम के और बरखिलाफ काम करने वालों के वास्ते है। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मताहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मताहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लपालक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे की रूह हमारे दिलों में भेजी, जो अब्बा यानी ए बाप कह कह कर पुकारती है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के सबब वारिस भी हुआ। खबरदार, कोई शख्स तुमको उस फिलॉसफी और लाहासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रिवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना मसीह के मुआफिक, क्योंकि अलोहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सिम होकर सुकूनत करती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए, और इसमें खुदा की कुवत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। क्योंकि अगर मिरास शरीयत के सबब से मिली है तो वादे के सबब से ना हुई, मगर इब्राहिम को खुदा ने वादे ही की राह से बख्शी। बस शरीयत क्या रही? वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीले से एक दरमियानी की मार्फत मुकरर की गई। अब दरमियानी एक का नहीं होता मगर खुदा एक ही है। बस क्या शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है? हरगिज नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी जाती जो जिंदगी बख्श सकती तो अलबत्ता रास्तबाजी शरीयत के सबब से होती। मगर किताब मुकद्दस यानी पुराना अहदनामा, किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह का मताहत कर दिया, ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मकूफ है ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मताहती में हमारी निगाहबानी होती है, और उस ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था हम उसी के पाबंद रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी ताकि हम ईमान के सबब रास्तबाज ठहरें, मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मताहत ना रहे, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई गुलाम ना आज़ाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस। और देखो, एक कनानी औरत सरहदों से निकली और पुकार कर कहा कि ऐ खुदावन इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। कनानी औरत,
एक बदरू मेरी बेटी को बुरी तरह से सताती है, मगर उसने कुछ जवाब उसे ना दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे क्योंकि हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ हूँ। इज़राइल के घराने की खोई हुई यानी 12 गोत्र भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया उनमें से, मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि लड़कों की रोटी यानी इज़राइल के बेटों और उसकी नस्लों की रोटी, क्योंकि यशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ, और वो रोटी किस लिए आई, जिन लोगों ने पुराने अहदनामे ने मन्ना खाया था और वो मर गए, लेकिन उसने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ, उनके लिए जिंदगी मुझमें है और मुझसे है। इज़राइल की 12 गोत्रों को कहा कि मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देनी अच्छी नहीं, मतलब उनके मुंह से 12 गोत्रों में से ये रोटी छीन कर उनके लिए नहीं आया, कुत्तों के लिए, यानी जो 12 गोत्रों में से बाहर हैं। उसने कहा हाँ खुदावंद। अब देखें कि आलमी शराय खुदावंद के पास आया, यशु मसीह के पास आया, तो उसने यशु मसीह को कहा कि शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। यशु मसीह ने कहा कि सबसे पहला हुक्म है कि अपने खुदावंद, यानी तो जिस भी खुदावंद को मानता है, उस वक्त और भी ज़मीन व आसमान में बहुत से खुदा और खुदावंद थे, तो उसने उस आलम शरा को कहा कि तू जिस भी खुदावंद खुदा को मानता है तो उससे अपनी अकल दिल जान से मोहब्बत रख, ये शरीयत में पहला हुक्म है और बड़ा भी है। दूसरा इसी की मानिंद है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। तो वो आलम शरा खामोश हो गया और उसको दोबारा से जवाब ना दे सका, बात ना कर सका और चला गया। और वो आलम शरा जिसको पूरी आलम का ज्ञान हो शरीयत, लेकिन ये औरत जो देखो कनान की सरहदों में से आई, ये ईमान वाली है, तो ईमान वाली औरत ने ईमान से क्या जवाब दिया। जो शरीयत वाले हैं वो खुदा के आगे लाजवाब हो जाते हैं, लेकिन ईमान वाला जो है वो शरीयत, वो यीशु मसीह को आगे से जवाब दे रहा है, क्योंकि कुत्ते भी वो उसको कोई हिकमत नहीं, कोई ज्ञान नहीं, उसने आगे से क्या जवाब दिया, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं। और उस यीशु को जवाब दे रही है जो शरीयत वाले ज्ञानी, लेकिन ईमान वाली औरत जवाब दे रही है यीशु मसीह को, जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा है औरत तेरा बड़ा ही ईमान है, जैसा चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। ईमान वाला इतना बड़ा शख्स होता है शरीयत वाले से। चुनाची इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। पहचान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं, बेटे हैं। और किताबे मुकद्दस यानी पुराना अहदनामा ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को, गैर कौम वाले कौन हैं, जो यहूदा के 12 बेटों से और 12 कबीलों में से, 12 गोत्रों में से नहीं आते, जिसमें से लास्ट जो है बाइबल के मुताबिक वह है पॉलस, जो बिन्यामीनी पीढ़ी से है। तो उन 12 गोत्रों में से 12 जो 12 जिनके लिए 12 शगिर्द ठहराए गए थे, उसके बाद जितने भी हैं वो गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, शरीयत से नहीं। शरीयत वाले वो इज़राइली हैं, 12 गोत्र हैं, उसके बाद उसकी नस्ल से नहीं आते तो वो ईमान से रास्तबाज ठहराएगा। पहले ही से इब्राहिम को ये
खुशखबरी सुना दी कि तेरे भाई सारी कौमें बरकत पाएंगी। पर जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मदाहत हैं। तो अगर आप 12 गोत्रों में से हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो शरीयत के अमाल पर तकिया करता है वो सब लानत के मदाहत है। चुनाची लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, पुराने अहदनामे में लिखी हैं, वो लानती है। और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता। अब मैं आपको बात बता दूं, यशुआ मसीह ने कहा कि मैं मूसा की तुरीत को पूरा करने आऊं, तो उसने सलीब पर जब जान दी तो कहा पूरा हुआ। तो जो शरीयत के अमाल पर तकिया करता है वो लानती है। तो यशुआ मसीह को शरीयत वालों ने क्या कहा कि ये लानती है, क्योंकि उनकी शरीयत में लिखा है जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। तो उन्होंने तो यशुआ मसीह को भी लानती ठहरा दिया। आप चीज ही क्या हो, आप चीज ही क्या हो जो शरीयत के अमाल पर तकिया करते हो। नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता। शरीयत वाले अपने चार जो हैं उनको फॉलो करने वाले, मानने वाले, उसमें उनकी इज्जत हो सकती है, सोसाइटी में इज्जत हो सकती है, संसार में इज्जत हो सकती है, लेकिन खुदा के नज़दीक शरीयत वाला रास्तबाज नहीं ठहरता। क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा, लेकिन बदन तक, क्योंकि शरीयत बदन तक ही इख्तियार रखती है, लेकिन जब वो बदन के वसीले जीता रहेगा उसके बाद नहीं। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, लानती बना ही इसलिए कि उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे, गैर कौमों तक भी पहुंचे जो इनकी 12 गोत्रों में से नहीं है। और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। ईमान के वसीले से गैर कौम, ईमान के वसीले से रूहुल कुद्स को हासिल करें, अमाल के वसीले से नहीं, शरीयत को पूरा करने से नहीं। क्योंकि शरीयत को पूरा करके कोई भी बशर खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहर सकता। तो रूह कहां से आएगा आपके पास? लाओगे तो खुदा की निगाह में आप धर्मी और धार्मिक पाए जाओगे, और ईमान के बगैर खुदा को खुश करना अनहोना है, नामुमकिन है। पर जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। ईमान वाले ही इब्राहिम के फर्जंद हैं, और किताब मुकद्दस यानी पुराने अहदनामे ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को, यानी जो इज़राइल के याकूब के 12 गोत्रों में से नहीं है, तो गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा। तो ये चीज़ पुराने अहदनामे में कि लिखी गई इब्राहिम के सबब ठहराएगा, ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से, यानी शरीयत से पहले, मूसा के 10 हुक्मों से पहले को ये खुशखबरी सुना दी गई इब्राहिम को कि तेरे बाईस सारी कौमें बरकत पाएंगी। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने अब ईमान वाले इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। और यशुआ मसीह ने, यानी खुदावंद खुदा ने कहा कि तू मेरे हजूर चल और कामिल होता जा। जब इब्राहिम 99 ईयर ओल्ड हुआ तो उसने कहा मेरे हजूर चल और कामिल होता जा। तो इब्राहिम के साथ ईमान वाले बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं, जितने 10 हुक्मों की धार्मिकता पर, 10
हुक्मों के आज्ञाओं पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मताहत हैं, क्योंकि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। चुनाची लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं वो लानती है। तो अगर आप, यीशु मसीह ने कहा कि फकीर फरीसियों से भी आपकी धार्मिकता ऊपर नहीं होगी तो रास्तबाज नहीं ठहराए जाओगे। तो आपको फकीर और फरीसियों से भी ऊपर की धार्मिकता आज्ञा का पालन करना होगा, उनसे भी ज़्यादा। और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीले कोई शख्स खुदा के नज़दीक धर्मी नहीं ठहरता। संसार में धर्मी ठहर सकते हो, अपनी सोसाइटी में, लोगों में अपनी इज्जत पाने के लिए, शोहरत पाने के लिए धर्मी हो सकते हो, लेकिन खुदा की निगाह में नहीं। क्योंकि ये लिखा है कि रास्तबाज धर्मी विश्वास से जीता रहेगा, धर्मी विश्वास से जीता ही रहेगा, बदन के तौर पर भी और रूहुल कुछ के तौर पर भी और रूहानी तौर पर। लेकिन शरीयत वाला जब तक उसके पास बदन है वहीं तक जीता रहेगा, क्योंकि जो शरीयत है वो उसका इख्तियार बदन तक ही है। और जो यीशु मसीह जो हैं वो ईमान के वसीले तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया यानी मूसा के 10 हुक्मों पर वो इनके सबब से जीता रहेगा, लेकिन मौत तक, जब तक उसको मौत नहीं आती। बदन के वसीले मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। शरीयत से छुड़ाया यानी कि बदन से छुड़ाया, बदन से छुड़ाया यानी बदन की ख्वाहिशों से छुड़ाया, जो आदम से हमारे स्वभाव में काम करती हैं, ताकि मसीह यस्सु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। उस दिन तक कि वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचि वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता और खुदा की बात, शाहत की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, जिस पर हम ये वीडियो और जिस विषय पर बात कर रहे हैं, और वो पानी का बपतिस्मा यूहन्ना की ओर से है और शरीयत की ओर से है और शरीयत वालों के लिए है और 12 गोत्रों के लिए। अगर आप 12 गोत्रों में से आते हो, यकूब के बेटों की 12 नस्लों में से आते हो, तो आप बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा लेने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन वो भी चीज़ ख़त्म कर दी खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, ताकि सिर्फ ईमान, ईमान और ईमान ही रह जाए, शरीयत रहे ही ना। तो उसको भी पूरा कर दिया खुदावंद ने। तो फिर भी अगर हमें जिस्म के हवाले से चलना है, शरीयत को पूरा करना है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। फिर तो हम उसकी जो उसने मेहनतें मशक्क़तें की, जो दुख सहा, तो फिर तो हम उसका इनकार कर रहे हैं, उसके बदन का इनकार कर रहे हैं, उसके लहू का इनकार कर रहे हैं, इसका इनकार कर रहे हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से नहीं जी। अगर हम शरीयत को पूरा करते हैं ना आज भी बदन के वसीले, तो हम इन चीज़ों का इनकार कर रहे हैं कि ना तो यीशु मसीह पैदा हुआ और ना उसने दुख सहा, ना उसने कोड़े खाए, ना वो स्लीप पर दिया गया, ना उस पर हमारी खातर सियासत हुई, ना उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, और ना वो रूहुल कुछ के वसीले तीसरे दिन मुर्दों में से बाप के जलाल में जी उठा। अगर हम आज भी शरीयत को पूरा करते हैं तो हम इन सब चीज़ों का इनकार करते हैं, बल्कि यशुआ का वजूद ही मिटा देते हैं अगर हम आज भी शरीयत के अधीन चल रहे हैं। तो शरीयत के अधीन चल रहे हैं तो हम यशुआ मसीह को लानती कह रहे हैं,
क्योंकि रूहुल कुद्स वाला है वो यीशु मसीह को कभी नहीं, क्योंकि रूहुल कुद्स वाला ही है जो यीशु मसीह को कभी लानती नहीं कहता, और जिसके पास रूहुल कुद्स है वो ही कहता है कि यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और जो शरीयत के अधीन है, क्योंकि शरीयत की वजह से ही उस पर लांत आई और शरीयत वालों ने, मूसा के 10 हुक्मों ने उस पर लांत डाली, तो वो लानत जो है वो किताब मुकद्दस कहती है कि वो लानती है। तो अगर आप मूसा के 10 हुक्मों में चल रहे हो, तो मूसा की शरा को पूरा कर रहे हो आज भी, तो आप यीशु मसीह को लानती अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी से, अपने 10 हुक्मों की धार्मिकता से यीशु मसीह को लानती बना रहे हो। और ये हर उस मसीह शख्स को जो ईमान वाला है उसको लानती बना रहे हो, और खुद भी लांत के मताहत चल रहे हो, क्योंकि बदन जो है वो एक तरह से नहीं जीता। तो आप उन सब चीज़ों का इनकार करते हो जब आप मूसा के 10 हुक्मों के मुताबिक चलते हो, पुराने अहदनामे के मुताबिक चलते हो, पुराने अहदनामे की अधीनताई में रहते हो। कैसरिया में कर्नेलियस नाम एक शख्स था, वो उस पलटन का सूबेदार था जो उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है कर्नेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर के कहा, खुदावंद क्या है? अब ये इंसान यीशु मसीह को नहीं जानता, ये बात का जिक्र ये यीशु मसीह के नाम से वाकिफ नहीं है। अब बहुत से लोग ये हवाला उठाकर कहेंगे कि कर्नेलियस यहूदियों को बहुत दान दसवंद देता था, खैरात बांटता, अब यहूदियों को बांटता था, यीशु मसीह को नहीं लिखा। यहूदी वो हैं जिनके पास शरीयत थी, मूसा के 10 हुक्म, उनको बांटता था, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में मतलब उसके फरिश्ता आया, तो फरिश्ता इस वजह से नहीं आया कि वो खैरात बांटता था, फरिश्ता इसलिए आया कि वो दीनदार था, दयानतदार था, और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था, और यहूदियों को बहुत खैरात देता था, और हर वक्त खुदा से दुआ मांगता था। तो उसने तीसरे पहर के करीब खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है कर्नेलियस, उसने उसको गौर से देखा और डर के कहा, खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा कि तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगिरी के लिए खुदा के हजूर पहुंची, यादगिरी के लिए। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को, जो पत्रस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमौन दब्बा के हाँ मेहमान है, पत्रस यीशु मसीह का शगिर्द, जिसको इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के भेजने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए भेजा था। ये उन 12 शिगिर्दों में से एक है जिसका घर समुंदर के किनारे है, और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी, तो उसने दो नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया, और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी क्या है, तो देखो वो आदमी जिन्हें कर्नेलियस ने भेजा था शिमोन का घर दरियाफ्त करके दरवाजे पर आ खड़े हुए और पुकार के पूछने लगे कि शिमौन जो पतरस कहलाता है यही मेहमान है। जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा, अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, जो शिमौन
दब्बाक है, तो वो उसके घर शिमोन पत्रस मेहमान है, और दोनों के नाम सेम हैं क्योंकि शिमोन का नाम ही बाद में पत्रस हुआ। तो रू ने उससे कहा कि देख, तीन आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बे खटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। पत्रस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, देखो जिसको तुम पूछते हो वो मैं ही हूँ, तुम किस सबब से आए हो? उन्होंने कहा, कर्नेलियस सूबेदार जो रास्तबार और खुदा तरस आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, उसने पाक फरिश्ते से हदायत पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे कलाम सुने। पत्रस ने जबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि इज़राइल की खोई हुई बेड़ों के बगैर कहीं और मत जाना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि पत्रस बोल रहा है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है, क्योंकि ईमान के बगैर रास्तबाज किससे जीता है? ईमान से जीता है। और ईमान कहाँ से आता है? यीशु मसीह से। ईमान सुनने से आता है, सुनना मसीह के कलाम से। और रास्तबाज ईमान से जीता है, तो रास्तबाजी करता है तो वो खुदा को पसंद आता है, क्योंकि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। जो कलाम उसने बनी इज़राइल के पास भेजा, यानी बनी इज़राइल यानी इज़राइल के 12 गोत्र, इज़राइल के बेटे, इज़राइल के 12 गोत्र, जो कलाम उसने बनी, यानी कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ, जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद है सुलह की खुशखबरी थी, उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मनादी के बाद गलील से शुरू हुई। तो खुशखबरी कहाँ से शुरू हुई? खुशखबरी शुरू हुई उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदियाँ में मशहूर हो गई, और फजल और सच्चाई यानी खुशखबरी यूहन्ना के बाद यीशु मसीह से शुरू हुई, क्योंकि फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहल कुस और कुदरत से किस तरह मसा किया, और ये चीज़ यूहन्ना के बपतिस्मा देने वाले के बाद शुरू हुई। वो भलाई करता और उन सबको जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसको सलीब पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जिलाया और जाहिर भी कर दिया, ना कि सारी उम्मत पर बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी हासिल करेगा। पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि रूहल कुस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। ईमान सुनने से आता है, सुनना मसीह के कलाम से। और पत्रस के, और यहाँ पर कोई हाथ नहीं रखा, कोई कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ गवाही दे रहा है, और गवाही जो है वो सच्चाई की रूह के साथ दे रहा है, सिर्फ गवाही नहीं दे रहा, क्योंकि गवाही जो है वो सच्चाई का रूह देता है, क्योंकि रूहल कुछ सच्चाई की रूह जो मेरी गवाही देता है उसी के वसीले रूहल कुछ नाजिल होता है।
सच्चाई के रूह के वसीले, केवल गवाही के वसीले नहीं, सच्चाई की रूह के वसीले, गवाही के साथ गवाही जो होनी चाहिए वो सच्चाई के रूह के वसीले होनी चाहिए। उसी वक्त जो गवाही सच्चाई के रूह के वसीले होगी, क्योंकि सच्चाई का रूह यीशु मसीह की गवाही देता है, क्योंकि रूह सच्चाई है और खुदा रूह है और रूह सच्चाई है, और वो सच्चाई की रूह जो है यीशु मसीह की बातों से सीखती है और मसीह यीशु की आने वाली बातों की खबरें देती है, और वो मसीह यीशु से सीखती है क्योंकि वो मसीह यीशु की गवाही देती है, और सच्चाई की रूह ही यीशु मसीह की गवाही देती है। उसी से ही रूहल कुस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहल कुस की बख्शिश जारी हुई। अब गैर कौम कौन है? जो यकूब के घर घराने से, नस्ल से, गोत्र से, 12 जो उसके बेटे हैं उसके गोत्र से नहीं आते, जो नहीं आते वो गैर कौम है। पर बीरूहल कुस की बख्शिश जारी हुई क्योंकि उन्हें तरह तरह की जबानें बोलते और खुदा की बड़ाई करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूहल कुछ पाया? अगर तू अपनी जबान से यीशु के खुदावन होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। क्या खुदा सिर्फ यहूदियों ही का है, गैर कौमों का नहीं? गैर कौमों को वो ईमान से रास्तबाज ठहराता है, बेशक गैर कौमों का भी है। बस अब पहले रूहल कुछ आया, बस फकर कहाँ रहा? इसकी गुंजाइश ही नहीं, कौन सी शरीयत के सबब से? क्या अमाल की शरीयत से, यानी मूसा के 10 हुक्मों से? नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से, विश्वास से। तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शैतान भी, बदरूहें भी, नापाक रूहें भी, अबलीस भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। अब जो थरथराता है, जो थरथराता है बदन के तौर पर, वो शैतान की, जो शैतान की रूह से, शैतान से है, और वो ईमान रखता है, है वो शैतान से, यानी शैतानी है, लेकिन वो ईमान रखता है यीशु मसीह पर, तो उसकी आइडेंटिटी ये है कि वो थरथराते हैं। जो थरथराता है वो शैतान भी ईमान रखता है, यानी शैतान से होते हुए भी ईमान रखता है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, क्योंकि एक ही खुदा है जो मक्तूनों को भी ईमान से और ना मक्तूनों को भी ईमान ही के वसीले से रास्तबाज ठहराएगा। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मताहत हैं, यानी जो इज़राइल के 12 गोत्रों में से हैं, 12 नस्लों में से हैं, 12 बेटों में से आगे की नस्लों में से हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सज़ा के लायक ठहरे। क्योंकि शरीयत के आमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीले से गुनाह की पहचान ही होती है। मगर शरीयत के बगैर खुदा के एक रास्तबाजी जाहिर हुई, धार्मिकता जाहिर हुई, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी
खुदा की वो रास्तबाजी जो यसु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब। अब सब ने गुनाह क्यों किया? क्योंकि इसका फैसला इस बात से किया गया खुदा की तरफ से, क्योंकि आदम ने गुनाह किया, जो पहला आदम था, तो आदम से ही सबको गुनाहगार ठहरा दिया गया। यहाँ तक उस वक्त तक जब तक फजल और सच्चाई ज़ाहिर नहीं हुई थी, यीशु मसीह से पहले भी लोग रास्तबाज थे यीशु मसीह की तरह, लेकिन उनको भी गुनाह के मताहत कर दिया किताब मुकद्दस ने, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। मुफ्त उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफ़ारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदेमंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे शरीयत के अधीन, पुरानी वाचा के अधीन, और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके ताराह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी ज़ाहिर करे, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी ज़ाहिर हो, ताकि वो खुद भी आदिल यानी इंसाफ पसंद और सच्चा, आदिल का मतलब इंसाफ पसंद और सच्चा, और जो यसु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। बस फ़कर कहाँ रहा? इसकी गुंजाइश ही नहीं कौन सी शरीयत के सबब से, क्या अमाल की शरीयत से? नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। चुनाची हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। क्या खुदा सिर्फ यहूदियों ही का है, गैर कौम का नहीं? बेशक गैर कौम का भी है, कि एक ही खुदा है जो मक्तूनों को ईमान से और नामक्तूनों को भी ईमान ही के वास्ते रास्तबाज ठहराएगा। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, अब इनमें से उसने बपतिस्मा नहीं लिया, जो यीशु मसीह के साथ फिरदौस में गया यानी स्वर्ग में गया, जन्नत में गया, उसमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है, और हमारी सज़ा तो वाजिब है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और ये देखिए कि इसको किसने बपतिस्मा दिया, इसको किसने तौबा करवाई? सिर्फ ईमान से उसने कहा कि जब तू बादशाह, और जब यीशु मसीह दुनिया में जिस्मानी तौर पर इस बादशाहत के कलाम को फैला रहे थे, तब उनको कोई बेटा मानने को तैयार नहीं। और यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? पतरस ने कहा, कोई नबी कहता है, कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है यूहन्ना है, जो मारा गया वो फिर से जी उठा है। पतरस से पूछते हैं, खुदावन तुम मुझे क्या कहते हो? और यीशु मसीह ने उससे पतरस से पूछा कि दुनिया तो जो कहती है ठीक है, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? उसने कहा, तू यीशु का मसीह है, यीशु का ममसूह है, खुदा का बेटा है। और यहाँ पर वो बदकार कह रहा है कि जब तू, उसने उसको ईमान में बादशाहत में देख लिया,
तो जब तू बादशाहत में आए तो मुझे जरूर याद रखना। यशम सिंह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। उसके अंदर ईमान देखा, क्योंकि जितने लोग यशम सिंह ने चंगा किए उन्होंने कहा जैसा तेरा ईमान है वैसा ही तेरे साथ हो। जब यशा मसीह की पैदाइश के वक्त फरिश्ता मरियम के पास आया तो मरियम ने क्या कहा कि देख मैं खुदा की बंदी हूँ, तो तेरे कहने के मुताबिक मेरे साथ हो। तो तब ये चीज़ हुई। तो ईमान वाला बहुत बड़ा है। जैसा आपका ईमान है, जैसा आपका ईमान का अंदाज़ा है, ईमान की का आपके पास वो पैरामीटर है, उतना ही आपके लिए यशा मसीह करेंगे, उतना ही आपके लिए हो जाएगा जैसा आपका ईमान है। ईमान लाओ कि आप बादशाहत में हैं, स्वर्ग में हैं, तो आप हैं, यशा मसीह आपके लिए करेंगे। तो इस बदकार ने क्या कहा, है वो बदकार, किसने उसको तालीम दी, किससे उसने तालीम पाई, किस रब्बी से उसने तालीम पाई, कौन सी उसने पुस्तक पढ़ी, किस नबी की उसने पुस्तक पढ़ी, क्या मसीह से तालीम पाई उसने। उसने सिर्फ यह कहा कि जब तू फिरदौस यानी बादशाहत में है मुझे याद रखना। यशा मसीह ने कहा तू मेरे याद, मतलब कि यशा मसीह में कोई कंडीशन नहीं है सिवा ईमान के, सिवा विश्वास के सिवा। और जितना आपका विश्वास होगा उतना आपके लिए हो जाएगा। यशम सिंह ने कहा कि राय के दाने जितना विश्वास करो और पहाड़ को कहो हट जा, दरख्त को कहो जाकर नदी में गिर जा, गिर जाएगा, क्योंकि यशम सिंह आपके लिए करेंगे। और ये कामिल विश्वास आएगा कहां से, यशम सिंह से। तो वो उसके साथ उसी दिन ही फिरदौस में है, उसी दिन से, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फकर ना करे, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यशुआ में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतने के सबब मक्तून कहलाते हैं तुमको नामक्तून कहते हैं, अगले ज़माने में मसीह से जुदा और इज़राइल की सल्तनत की खारिज और वादे के अहदों से नावाकिफ और ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से अलहिदा थे, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यस्सु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वो ही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर दिया। क्योंकि वो ही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर दिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, चुनाची उसने अपने जिस्म के ज़रिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाबितों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटा कर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। क्योंकि जिसने मक्तूनों की रिसालत के लिए पत्रस में असर पैदा किया
उसी ने गैर कौमों के लिए मुझ में भी असर पैदा किया, मुझ पर। और यहाँ पर अकेले पतरस का नाम आया है, देख लीजिए, पतरस पर असर पैदा किया मक्तूनों की रसालत के लिए और गैर कौम के लिए। अब मक्तून कौन है? यहूदी, जो शरीयत के अधीन चलते हैं, जो याकूब के 12 गोत्रों में से है, वो मक्तून हैं। और उसी ने गैर कौमों के लिए मुझ में भी असर पैदा किया, मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूँ, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकयास दौलत की खुशखबरी दूँ। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यशुआ में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, अब पानी का बपतिस्मा नहीं, मसीह यशुआ में शामिल होने का बपतिस्मा यानी ईमान का बपतिस्मा, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा, और रूहुल कुद्स का बपतिस्मा ईमान से आता है, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाद के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई ज़िंदगी की राह चलें। और वो किश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बची, और उसी पानी का मुशाहबी भी यानी बपतिस्मा यानी यशुआ मसीह के जी उठने के वसीले से, यशुआ मसीह के जी उठने के वसीले से। ईमान वालों का बपतिस्मा क्या है? यशुआ मसीह का जी उठना अब तुम्हें बचाता है। ईमान वालों का बपतिस्मा है यशुआ मसीह का जी उठना। ये आपको ईमान लाना होगा कि यशुआ मसीह का जी उठना ही हर वो ईमान वाले का बपतिस्मा है। यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। अब जो यीशु मसीह का जी उठना है उसमें क्या है, यीशु मसीह के जी उठने में क्या करना है? जिस्म की नजासत जो है उसका दूर करना मुराद नहीं। अब यीशु मसीह जी उठा है तो जी उठने के बाद हमें क्या करना है? खालिस नियत से खुदा के तालिब होना मुराद है, बदन के वसीले नहीं, खालिस नियत से। नियत से वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियार और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा। तो ईमान वालों का बपतिस्मा है मसीह यीशुआ का जी उठना, और उसमें बदन के वसीले कामों को पूरा करना नहीं है। उसके लिए दिल से ईमान लाना है, मुंह से इकरार करना है, और खालिस नियत से खुदा के तालिब होना है, खालिस नियत से, प्योरिटी से। क्योंकि यहोवा जो इंसान है वो बदन के तौर पर देखता है, लेकिन यहोवा दिल के नियत और इरादे परखता है। बेशक यहाँ तक लिखा है कि तुम रूहुल कुद्स से दुआ कर रहे हो, लेकिन फिर भी चाहे आप रूहुल कुद्स में भी हो, लेकिन खुदा रूह की नियत को जांचता है। बेशक आप रूहुल कुद्स में दुआ कर रहे हो, लेकिन खुदा फिर भी क्या कर रहे हैं, फिर भी आपकी रूहानी नियत के जो इरादे हैं उसमें रूहानी नियत के दिल को जांच रहे हैं। यहोवा दिल को जानते हैं, नियत को जानते हैं। तो इसीलिए कहा है कि हुण जिहड़ा है बदन दे वसीले काम पूरे करने जरूरी नहीं है, बस खालिस नियत ते इरादा रखना जरूरी है। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियार और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं। तो जी उठन तो बाद आया, जी उठन तो बाद जिहड़ा आ वो जिस्मानी अहकाम नहीं आ, बदन दे वसीले चीज़ों पूरा करना नहीं है, खालिस नीयत रखना जरूरी है, और दिल तो ईमान लेना जरूरी है, और मुँह तो इकरार करना जरूरी है। और यह चीज़ जी यीशु मसीह चाहते कि सच्चाई सारे से जाहिर हो जाए, पर आप लोग बदन दी ख्वाहिशों के वसीले, बीमारी लाचारी के वसीले, या अपनी दौलत शोहरत के वसीले बंदियों के गुलाम होए पे हैं। यीशु मसीह सानू ऐ दे, यीशु मसीह सानू, यीशु मसीह दे देंगे ने,
पर ये वेखो कि वो जिहड़ा देना है वो खुदावन की तरफों है या यशुआ मसीह की तरफों, वो तुहाडी मंग है, उहदा ते काम ही देना है। पर जे तुसीं मंगिया अपनी मर्जी ना आ, ते उहदे रिजल्ट भी तुहानूं आप ही भुगतने पैणगे। क्योंकि कलाम च लिखा कि दुनिया की कोई भी ख्वाहिश है, दुनिया की कोई भी चीज़ है, वो बाप की तरफों नहीं है, बाप की तरफों नहीं है, क्योंकि वो अबलीस की तरफों आ। हुण अबलीस ने यशा मसीह नूं कहा हीगा कि तू मेरे हजूर चल, इन्हां पत्थरां नूं कह रोटी बन जा, मैं तैनूं सारी दौलत शौहरत दे देना। जो रियासतां विखाइया हीगियां यशा मसीह नूं, तो कोई भी जिहड़ी संसार की चीज़ है खुदा लाउणी आ वो अबलीस वालों। बाकी जिस चीज़ की तुहानूं जरूरत है खुदा जानता है, उहदी तुहानूं मंगण की जरूरत नहीं हैगी। खुदा जानता है कि तुसीं जिस्मानी चीज़ां दे मुहताज हो, पर जे तुसीं बदन की ख्वाहिश वसीले मंग रहे हो, तो लिखा जिन्हां ने अपनी बदन दीआं ख्वाहिशां नूं छड़ता तो उन्हां ने बदन दे वसीले अपने आप नूं मसीह दे नाल ही सलीब दे दिता। इहदा मतलब जे तुहाडे अंदर ख्वाहिश है तो इस करके ना तुसीं मसीह दे नाल सलीब दित्ते गए, तो ना उहदे नाल कबर च दित्ते गए, तो ना ही तुसीं मुरदिआं चों जी उठे, तो फिर खालिस नीयत कित्थों आऊगी। तो अखीर दे विच लिखा है इस विषय के मुताबिक एक ही खुदावंद है, तो एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है।